I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it. Hello, दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आकाश. वेलकम टू माई चैनल द व्हीकल्स. दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इलेक्ट्रिक टाइप लेके आया हूँ. आज कोई हम किसी कार के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी बाइक के बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, जैसे कि आपको दिख रही होंगी वो. दोस्तों, मतलब पेट्रोल के जो रेट हैं वो रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोस्तों पब्लिक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन एक एक करके ई रिक्शाज और स्कूटी दिखाने वाला हूँ. ओके दोस्तों, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कैसी लगी ये वीडियो. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ. दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको काइनेटिक ग्रीन ऑल इलेक्ट्रिक स्कूटीज ई रिक्शाज अवेलेबल हियर. क्या कैसे हैं आप? हेलो सर. तो भैया, मतलब यहाँ के सबसे पहले तो आप एड्रेस के बारे में बताइए. यहाँ का पटेल नगर, G3 पटेल नगर, गाजियाबाद में पड़ेगा आपका. अच्छा, ओके. तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन होने वाले हैं आज, उनकी क्या क्या खासियत होने वाली है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है पेट्रोल के दाम को देखते हुए? एक्चुअली क्या है, अब जैसे इलेक्ट्रिक का ही टाइम आ गया जी, ठीक है, और आने वाला टाइम भी इलेक्ट्रिक का ही है. ओके. जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन जी, तो उसी की वजह से हमने काइनेटिक कंपनी व्हीकल्स निकाले. काइनेटिक व्हीकल्स. दोस्तों, काइनेटिक आपको याद होगा, काइनेटिक जिंक बहुत पहले एक आती थी जो कि बहुत फेमस भी हुई थी. दोस्तों, उसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं. दोस्तों, शुरुआत करूंगा सबसे पहले मैं सबसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में. दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है पूरी वीडियो में. 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है. दोस्तों, इसके टायर देखिए, कुछ अलग ही क्वालिटी है टायर की. और इसका लुक्स देखिए आप एक बार. देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप ब्रेक्स के, मतलब ये एक्स्ट्रा वायर्स मिलने वाले हैं आपको. और यहाँ पे आई थिंक गियर समथिंग कुछ है. और जैसे कि हम बाइक में चाबी इनेबल करते हैं, मतलब की लगाते हैं बाइक को इनेबल ऑन करते हैं, तो दोस्तों इसमें भी वही ऑप्शन मिलने वाला है आपको. देखिए इसमें बैटरी का पता चलेगा आपको कितनी आपकी सेल बचेगी. दोस्तों, बैटरी के बारे में आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं. बैटरी कितनी रह गई है, ख़त्म होने वाली है, नहीं होने वाली है. कितना टाइम लगता है इसे फुल चार्ज होने में? फुल चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं. 2 घंटे लिथियम बैटरी है. ओके, 2 घंटे से मतलब चार्ज होने में लगते हैं. मतलब आपको 30 किलोमीटर ही चल जाएगी और मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 है. तो दोस्तों, एक चार्ज में जब आप इसे फुली चार्ज करेंगे 30 किलोमीटर चलेगी. तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन होने वाला है हमारा काइनेटिक जूम. फ्रंट से प्रोफाइल देखिए दोस्तों स्कूटी का, व्हाट अ ब्यूटी. इसका जो कलर है उसको देखिए, इसकी ब्यूटी को चार चांद लगा रहा है. काइनेटिक जूम नाम है इसका. दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी है काइनेटिक की, यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है आपको. दोस्तों, साइड प्रोफाइल की बात करूँ अगर मैं, तो दोस्तों साइड से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर मिलने वाला है आपको. ओके दोस्तों, अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ भैया, तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसमें सर दो तरह के मॉडल आते हैं. एक तो इसमें 28 AH की बैटरी होती है. ओके. और एक होती है 22 AH की. जी. जो 22 AH की बैटरी है उसका प्राइस आपका 69,800 रुपये है. 69,800 रुपये. ओके. और सेकंड जो मोड बताया आपने, तो आपका 28 AH में आएगी जी. उसका प्राइस आपका 77,164 रुपये. चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है इसको मैक्सिमम? 2 से 2.5 घंटे. उसके बाद ये मतलब कितना किलोमीटर तक रन कर सकती है? जो 28 AH में वो आपकी 90 किलोमीटर की रन करेगी. ओके. जो आपकी 22 AH में वो 75. ओके. और भैया मुझे एक चीज़ और बताइए, मतलब इसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बारे में क्या बात होने वाली है? एक्चुअली इस पर लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है और ये RTO से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि लो स्पीड कैटेगरी में भी चले. लो स्पीड कैटेगरी में इंक्लूड होती है ये. ओके. तो भैया क्या मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी जो आपने बताया? मैक्सिमम स्पीड इसकी 45 है. दोस्तों 45 इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है. ओके दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मीटर की तरफ, कुछ मीटर का भी लुक दिखा देता हूँ मैं आपको. आपको इसमें बहुत सारे मोड भी मिलने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे भैया हमें. दोस्तों देखिए, डिजिटल मीटर है इसका, बहुत ही प्यारा है. भैया इस मीटर के बारे में क्या डिटेल्स होने वाली, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली इसकी? मीटर में एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका डिजिटल मीटर होता है, प्रॉपर आपको सारी सब चीज़ें इंडिकेट करते हैं. जैसे गाड़ी व्हीकल में आपको कोई प्रॉब्लम है मोटर वगैरह में, तो आपको इंडिकेट करेगा कि
या आपको सर्विस करानी है तो सर्विस इंडिकेट करेगा कि कब आपको सर्विस करानी है, आपको सर्विस करानी नहीं चाहिए। मतलब जो उसमें फीचर भैया ने बताए हैं और वो आपको इतने सारे इंडिकेट करते हैं, अगर आपकी गाड़ी सर्विस मांग रही है तो वो भी गाड़ी बताएगी, आपको खुद ही बताएगी। और दोस्तों इसके फीचर के बारे में, मतलब दो तीन चीज़ें मोड है इसके अंदर, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे भैया। भैया ये किस चीज़ के मोड है? ये आपका स्पीड मेंटेन करने का मोड है, मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप फर्स्ट मोड मोड के चलाते हैं, ओके, तो आपकी स्पीड आती है इसमें 25 जी, ठीक है। अगर सेकंड मोड पे चलाएंगे आप तो 35 पहुंच जाएगी आपकी स्पीड, अगर आप थर्ड मोड पे चलाएंगे तो 45 मैक्सिमम स्पीड होगी। तो हेडलाइट्स ऑन करने के बाद इस तरीके का आपको दिखता है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये क्रूज बटन है, ये मोस्टली होता क्या है फोर व्हीलर व्हीकल्स में होता है जी, क्रूज कंट्रोल होता है जी, क्रूज कंट्रोल। ये वही फीचर, आपको जिस स्पीड पे गाड़ी रोकनी है आपकी जी, तो इस बटन को प्रेस कीजिए, आपके एक्सीलेटर छोड़े बिना आपकी गाड़ी चलती रहेगी। चलती रहेगी जी, देखिए मैं दिखाता हूँ। जी जी दिखाइए दोस्तों, कुछ यूनिक है जो भैया हमें दिखाने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे स्पीड शो करता हूँ 24, ठीक है। अगर मैं क्रूज बटन दबाता हूँ ये आपकी इसी स्पीड पे चलती रहेगी। वाओ दोस्तों, बड़ा मोड। दोस्तों सारी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा स्कूटी कैसी लगी आपको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है ये, इसका फ्रंट देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। देखिए ब्लू लाइट देखिए दोस्तों, ये मतलब जो इसकी हेडलाइट है, इसका जो डिज़ाइन दिया गया है, मतलब इसमें एक LED कंपनी फिटेड आपको मिलती है, ये इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करती है। ड्यूल हेडलैम्प्स मिलने वाले आपको दोस्तों, और ये चीज़ देखिए आप, इस ब्यूटी के बारे में आई हैव नो वर्ड्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको, साइड प्रोफाइल देख लीजिए आप, साइड से भी बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा भैया, इसके प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कितने रुपये में मिलने वाली है? तो इसमें भी आपके दो मॉडल आते हैं, 28H और 22H। ओके, 22H में उसके जो प्राइस है आपका 64,500 रुपये जी, ठीक है। जो 28H में उसका आपका है 72,661 रुपये ऑन रोड, 72,661 रुपये। और इसकी टॉप मैक्सिमम स्पीड कितने होने वाली है? इसकी 45 होगी। 45, मतलब आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको चलाने के लिए। जैसे कि घरेलू महिलाएं होती हैं, गृहणियां होती हैं, वो मार्केट जाती हैं, सब्जियां लेने जाती हैं या ऐसा कुछ भी, वो ईजिली इसको यूज़ कर सकती हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर के बारे में, तो भैया इस गाड़ी में जो फीचर मिलने वाले हैं स्कूटी में, हमें उसके बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, आप सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगूँगा इसमें मोबाइल USB पोर्ट जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए जी, ठीक है। आप मोबाइल यहाँ रख सकते हैं, इसमें अलग से जो है बोतल होल्डर दिया हुआ है दोस्तों। दिस इज़ द वेरी कूल स्पेस, इसमें आपको मतलब ये डायरेक्ट ये देखिए कितना मतलब कूल लग रहा है एकदम ब्लू लाइट के साथ। ओके भैया, नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट इसमें एक एंटी थेफ्ट है, जैसे कि आपकी गाड़ी में GPS वगैरह होता है उस तरह का जी, एंटी थेफ्ट सिस्टम है इसमें। अगर मैं जैसे गाड़ी को लॉक करता हूँ अपनी, ओके, लॉक कर दिया, अगर कोई मेरे व्हीकल को टच करेगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोड पे जाना, जैसे कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और मुझे लगता है इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है काइनेटिक का ई रिक्शा। ये फ्रंट का प्रोफाइल देख लीजिए आप, वाओ, मतलब ग्रीन कलर के साथ, और थोड़ा सा दोस्तों इसका एक ये फेस लुक देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है आपको इसमें। अगर मैं इसके स्पेस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों देखिए ये फ्रंट में मिल जाता है आपको, ये सीट्स देख लीजिए इसकी, पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है देखने के लिए। कि भैया क्या फीचर मिलने वाले हमें? तो सबसे पहले बताना चाहूँगा ये काइनेटिक का आपका ऑटो है, ऑटो लुक में हमारा ई रिक्शा है। ओके, फीचर्स के बारे में जरा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप, इसका कार जैसा डैशबोर्ड है जी, ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, सेम इसमें भी दिए हुए आपके मोड्स। ओके, स्पीड को मेंटेन करने वाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये आपका फ्रंट हो गया जी, ये आपका रिवर्स करने के लिए हो गया। ओके, ठीक है, डैशबोर्ड में इंडिकेट करेगा आपको दोस्तों। ये देखिए आप, थोड़ा सा ये पूरा इंडिकेट करके हमें बता रहा है। ओके भैया, इसके आगे क्या होने वाला है? ठीक है, और इसमें अलग से रिवर्स वो भी दिया हुआ है आपका, जैसे आपकी गाड़ी बीच में बंद हो जाती है जी, आपने देखा होगा कि
रिवर्स में लगाने के लिए। जैसे कि आपकी बैटरी खत्म हो गई है तो आप इस बटन को दबा के आप 6 से 7 किलोमीटर आपकी गाड़ी चला सकते हैं बैटरी डाउन होने के बाद भी। बैटरी डाउन होने के बाद भी जी। दोस्तों ये मतलब कितना कूल फीचर मिलने वाला है आपको, अगर आपका ई रिक्शा अगर बैटरी डाउन भी हो जाता है और मतलब आपको ऐसी जगह पे खड़े हैं आप जहाँ पे आप मतलब मूव नहीं कर सकते हैं बिना धक्का लगाए बिना किसी के हेल्प में 6 से 7 किलोमीटर आप इसे रन कर सकते हैं फिर भी, तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। अच्छा भैया इसके प्राइस के बारे में बात करूँ, अगर मैं इसका प्राइस क्या होने वाला है? लिथियम-आयन बैटरी पे इसका जो प्राइस है 211,000 रुपये। 211,000 रुपये और इसके साथ एक मोबाइल फोन भी फ्री है सैमसंग का। दोस्तों 211,000 रुपये का ई रिक्शा है, इसके साथ आपको एक सैमसंग का मोबाइल फोन फ्री मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा ये होने वाला है भैया, क्या बात होने वाली है ई रिक्शा के बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये बहुत हैवी व्हीकल है ई रिक्शा में, ठीक है, टोटल मेटल मेटल है, इसमें कहीं भी प्लास्टिक का पार्ट यूज नहीं किया। दोस्तों देखिए पूरा मेटल है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी लग रही है इसकी। तो इसमें स्पेस देखिए आप एक बार, कितना अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है आपको, और यहाँ पे जो मतलब ड्राइविंग सीट है ना उस पर भी बहुत अच्छा स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बैक सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ होल्डर टाइप का यहाँ पे मिलने वाला है, इसमें आप पानी की बोतल रख सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों इसमें फायर के लिए भी आप पूरी सावधानियाँ बरत सकते हैं, पीछे से देख लीजिए, मतलब अगर स्पेस से रिलेटेड बात करूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस मिलने वाला है आपको। इसके अंदर आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिलने वाला है, यहाँ देखिए आप एक कंपनी फिटेड मिलने वाला है आपको। दोस्तों आफ्टर मार्केट आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही गुड लुकिंग है, मतलब कोई भी भाई अगर हमारे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं इसे खरीद के अपना अच्छा खासा रोजगार चला सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस ई रिक्शे की डिटेल के बारे में कि कितने रुपए में आपको ये मिलने वाला है। आपको 1,67,500 रुपये 1,67,500 रुपये ऑन रोड। अगर आप इस मॉडल को लेते हैं एक तो आपको सैमसंग मोबाइल का ऑफर दिया जाता है, उसके साथ आपको काइनेटिक जिस कंपनी का ये ई रिक्शा है, जिस कंपनी की मैंने आपको स्कूटीज़ का ऑप्शन दिखाया उसकी एक ओरिजिनल टी शर्ट भी दी जाती है आपको। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।